नमस्कार दोस्तों, द इंडियन रसोई में आपका स्वागत है। आइए देसी स्टाइल में वेज मटन जैसे कि मशरूम की सब्ज़ी आप जानते हैं, देखते हैं देसी स्टाइल में कैसे बनता है वेज मटन। जैसे कि हमने मशरूम लिया, मसाले रेडी है, प्याज 2 प्याज, 1 टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक कस कर लिया है, जीरा, तेज पत्ता और हमारा कढ़ाई रेडी है। हम इसमें मशरूम को टुकड़ों में काट लेंगे, 4 टुकड़ों में। इसमें मशरूम डाल के इसको देखिए, अभी कम से कम 2 मिनट इसको हमने फ्राई किया तेल में, अब ये ब्राउन हो चुका है। हम कढ़ाई से निकाल देंगे। ज़्यादा भी नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। ब्राउन इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये तो हो गया फ्राई दोस्तों। अब हम इसमें मसाले के लिए सबसे पहले अदरक कस किया हमने, इसको डालते हैं, फिर मिर्च डालते हैं। मिर्च को तो लंबा लंबा काट लेंगे ताकि किसी को तीखा ना लगे। उसके बाद हम लहसुन डाल देते हैं, हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, हो गया। उसमें जीरा एक बार डालते हैं, थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। क्या करेंगे इसमें, प्याज डालेंगे, 2 प्याज हमने बारीक से काट लिया था, डाल दिए। सब्जी मसाला आता है मार्केट में एवरेस्ट का, इसके साथ हम प्याज को भूनेंगे। आवश्यकता अनुसार ज़्यादा भी नहीं डालना है, आज को जी बिल्कुल धीमी कर लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हल्का सा मुझे अब थोड़ा थोड़ा आवश्यकता अनुसार हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं, 1/2 चम्मच, बस 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच। यह हो गया मसाला, डालूंगा 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे क्योंकि चावल के साथ खाने में अच्छा पकाने के लिए तो बर्तन से इसको हम ढक सकते हैं। प्याज को गलाने का काम करते हैं, बस प्याज जल्दी गल जाएगा, ढक देते हैं।
मसाला है, बिल्कुल मटन की तरह दिखने लगा है। अब आवश्यकता अनुसार ग्रेवी के लिए पानी डाल, आइए दोस्तों देखते हैं। 5 मिनट हो गए अपना, अब भेज मटन बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है इसको, ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, अब हल्की सी मुझे गरम मसाला के पाउडर डाल देते हैं जिससे खाने में और टेस्ट आ जाए। बिल्कुल थोड़ी सी थोड़ा सा हमने गरम मसाला पाउडर डाला, मिक्स करके, मिक्स करने के बाद हमने बंद किया और ऊपर से धनिया पत्ता रख देते हैं। लीजिए दोस्तों आपका वेज मटन तैयार। आप इसको चावल के साथ परोस के मस्त खाइए, बहुत ही टेस्टी, एकदम देसी स्टाइल में। आप लोग भी जरूर से जरूर घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद द इंडियन रसोई में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।